अगर हम अपने सौरमंडल पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि हमारे सारे प्लैनेट के पास कोई ना कोई उपग्रह यानी कि मून है। जैसे पृथ्वी के पास एक मून है और मंगल के पास दो मून है, इसी तरह हमारे सौरमंडल में जितने भी प्लैनेट हैं सबके पास कोई ना कोई मून तो है। लेकिन हमारे बुध और शुक्र के पास कोई भी मून नहीं है। बुध और शुक्र का निर्माण भी हमारे ही सौरमंडल में हुआ है, तो फिर इसके पास कोई मून क्यों नहीं है, यानी कि कोई चांद क्यों नहीं है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हालांकि बुध के पास खुद का चांद था या नहीं ये तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इसके पास चांद था तो यह अधिक संभावना है कि यह चांद सूर्य में समा गया होगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, बुध की अपनी भी तो ग्रेविटी है ना, तो फिर इसका चांद सूर्य में कैसे समा सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि बुध सूर्य से मात्र 58 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी ग्रेविटी भी बहुत ही क्वीक है। इसकी ग्रेविटी हमारे पृथ्वी के कंपेयर में मात्र 38% है, तो आप सोच सकते हो कि इसकी ग्रेविटी कितनी कम है। इतनी कम ग्रेविटी होने की वजह से ये चांसेस है कि बुध जो है कोई भी चांद को कैप्चर नहीं कर सकता। इसलिए हो सकता है कि इसका चांद हो और वो चांद इसकी ऑर्बिट से बाहर आ गया हो और सूर्य में समा गया हो, तो ये अधिक पॉसिबिलिटी है। हालांकि इसके बारे में कोई एविडेंस अभी नहीं मिला है, कोई रिसर्च अभी नहीं हुआ है। लेकिन शुक्र बुध की तरह नहीं है, क्योंकि शुक्र के पास अपनी ग्रेविटी है जो कि किसी भी चांद को कैप्चर करके रख सकता है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि इसके पास कोई चांद क्यों नहीं है? साइंटिस्ट का मानना है बहुत पहले जब प्लैनेट का निर्माण हो ही रहा था तब कोई मार्स साइज का बॉडी शुक्र से टकराया था, जिससे उस बॉडी से पार्टिकल्स अलग हो गया और शुक्र के चारों तरफ रोटेट करने लगा। फिर ग्रेविटी की वजह से सारे पार्टिकल धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए और चांद का निर्माण हुआ। यानी कि साइंटिस्ट का मानना है कि जब फर्स्ट टाइम कोई बॉडी टकराया था शुक्र से तब शुक्र के पास चांद था, लेकिन उसके 1 लाख साल बाद फिर से कोई मार्स साइज का बॉडी शुक्र से टकराया, तब जाके शुक्र का रोटेशन जो है वो उल्टा हो गया और उसके ऑर्बिट में जो चांद था वो चांद भी स्पेस में एस्केप हो गया। तभी आपने देखा होगा कि शुक्र का जो रोटेशन है वो उल्टा है, जबकि हमारे प्लैनेट अर्थ की रोटेशन जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, लेकिन शुक्र का रोटेशन पूर्व से पश्चिम की तरफ है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्स साइज का बॉडी 2 बार टकराया था। ऐसा बस साइंटिस्ट का मानना है, इसके पीछे अभी कोई रिसर्च नहीं हुआ है। हो सकता है कि आगे हमें इसके बारे में डिटेल से पता चले। आपको क्या लगता है दोस्तों, शुक्र के साथ वाकई में ऐसा हुआ होगा या नहीं? आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।